recorded. हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, तीन बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखीन बिलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निदेश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं। मैं कहीं अगर सेमेस्टर गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत याद नहीं है। अरुणा जी सेमेस्टर 2 की हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहिनी बांडवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोनिका गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता बिसारिया जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रमेश चंद जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वैष्णवी काडिकर उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमकर सर, दूसरा है JP अग्रवाल सर
और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस एस सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको नहीं, आपके परिवार को ही नहीं, आपके समाज में और लोगों को नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में उमा हांडा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर दो के स्टूडेंट हैं, का स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर ममता अग्रवाल, डॉक्टर डॉक्टर अग्रवाल ने अभी ज्वाइन किया है, उनका डॉक्टर ममता अग्रवाल ने ज्वाइन किया, उनका सेमेस्टर दो है शायद, मुझे लगता है दो है, उनका स्वागत है। तो हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, आज की फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में ये सारद जी उपस्थित हो गए हैं, सेमेस्टर तीन के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका भी स्वागत है। तो अनिता जी स्वागत कर रहा हूँ, और आज वो पिटाई सेवन पर चैप्टर फाइव था, उस पर आधा उन्होंने पहले थोड़ा सा विषय को लिया था और हम लोगों के बीच में डिस्कस किया था, आज वो उसके अगले भाग पर कुछ हमने बीच में वार्ता करेंगी। तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनको हैंडओवर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ मैडम। थैंक यू सर। ये मैं आज की के बारे में बताऊंगी, और पहले भी मैं बता चुकी हूँ की के बारे में, और उसमें डेफिशिएंसी ऑफ की हो चुका है, अब सिंकिंग ऑफ की चल रहा है। तो इसका कुछ पार्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुकी, मतलब डिस्कस हो चुका है उसपे। अब नेक्स्ट जो है उसमें वो हम करेंगे एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी। तो सर यहीं से ही था ना सर, जहां पे छोड़ा बताइए। जी सर यहीं से ही था वैसे ये तो। ठीक है। वाटर रिटेंशन तो सर हो चुका था, उसमें वाटर रिटेंशन ड्यू टू किडनी यंग डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है एम्प्टी हीट राइजिंग ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जो लगातार चिंता करते रहते हैं उनके, उनको हो सकती है। और इसमें एम्प्टी हीट ये होता है कि उसकी जो इन है, किडनी का जो इन है वो डाउन, वो कम हो जाता है एक्चुअल में, इस वजह से उसमें हीट हो जाती है, वहां पर जो उसकी कोल्डनेस है किडनी की वो कम हो जाती है, इस वजह से उसको एम्प्टी हीट बोला जाता है। तो एम्प्टी हीट की वजह से कभी कभी यूरिन में रक्त आने लग जाता है, रात को पसीना, क्योंकि हीट है बॉडी में, एम्प्टी हीट है, इस वजह से रात को पसीना आने लगता है। और शाम के बाद हमें ऐसा फील होता है कि बुखार हो रहा है, और रात में कई बार उठना पड़ता है क्योंकि बेचैनी बहुत होती है हीट की वजह से, ऐसा फील होता है हीट हो रही है, और सुबह तक नींद नहीं आती है और जल्दी उठ जाते हैं, उसके अंदर गला भी सूखा सूखा रहने लग जाता है, बेचैनी होती है, और गाल की हड्डियों के पास लाली दिखने लग जाती है, और शरीर में द्रव्यों की कमी होने लग जाती है। इस तरह से हमको ये सारी प्रॉब्लम जो एम्प्टी हीट की है किडनी इनकी होने लग जाती है। गला कभी कभी ड्राई स्टूल भी होने लगा, कॉन्स्टिपेशन जैसा भी हमको फील होने लगता है, होता ही है, मतलब फील नहीं, फील के मतलब होता ही है, सूखा सूखा मल आने लग जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें ये होगा K2H5 और LU7 LU10 तो होगा इसमें सीडेड, और ये है किडनी K3 K6 9 एंड K10 तक, और SP6 और SP4 ये होगा टोन। इसमें कुछ पॉइंट सीडेड हैं और कुछ पॉइंट टोन है, हम इनको हम इस तरह से यूज करेंगे। तो ये जो किडनी यंग एम्प्टी हीट, किडनी एम्प्टी हीट की जो प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व होने लगेगी इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है थर्ड जो आता है कोलैप्स ऑफ, मैडम बता दीजिए जरा 2 मिनट वही वाला। ये जो स्पेशली
किडनी जो किडनी इन डिफिशियंसी के हमेशा समझ लीजिए, जिन लोगों ने स्टूडेंट ने पहले देखा नहीं उसमें, मतलब उसमें शामिल नहीं थे, इन डिफिशियंसी का अर्थ जो होता है कि इन डिफिशियंट मैंने इन कम हो गया, तो जब इन कम हो जाता है तो वर्चुअली यांग आपको अपरेंट बढ़ा दिखता है, मतलब यांग बढ़ा नहीं है, यांग तो अपनी सीमा में ही है, लेकिन चूंकि किडनी इन डिफिशियंट हो गई है इसलिए यांग बढ़ा है। यांग माने हम लोग जान रहे हैं गर्मी, इन माने ठंडक, तो हमको लगता है कि गर्मी लगी है जबकि वास्तव में गर्मी नहीं हुआ, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन गर्मी का इस कारण गर्मी लग रही है क्योंकि इन डिफिशियंट हो गई है। तो हमेशा नाइट स्वेटिंग उसका देखिए बहुत बड़ा, आफ्टरनून फीवर और नाइट स्वेटिंग उसका बहुत बड़ा वो है सिम्टम है, इसको हमेशा याद कर लीजिए, अगर नाइट स्वेटिंग हो रही है तो इन डिफिशियंसी है, हो सकता है किडनी के अलावा कोई और हो, लेकिन किडनी इन इन माने रात, इन माने रात, तो रात में पसीना आएगा तो समझ लीजिए कि इन डिफिशियंसी है। प्लस आफ्टरनून फीवर, जैसे जैसे दोपहर से, दोपहर तक तो यांग है, दोपहर के बाद जैसे जैसे आपको इन की तरफ शिफ्ट होंगे वैसे वैसे आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा। प्लस लो ग्रेड फीवर इसी को बोलते हैं, 99 तक आपको लगेगा, क्योंकि ज्वर तो नहीं है, मंद ज्वर लगेगा, रेस्टलेस बेचैनी तो और सब कारण होंगे, लेकिन शारीरिक द्रव क्यों कम होंगे, क्योंकि हीट आपको अपेरेंटली हीट बढ़ी होगी, तो हीट की वजह से आपको लगेगा। ड्राई मल, वो भी सूखा मल है, वो भी यही कारण होगा। ये जो दूसरे नॉक्चुरल इमिशंस और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, ये किडनी की विशेषता, क्योंकि किडनी स्पेशली कंट्रोलर है लोअर ओरिफिसेस की। ठीक है, चलिए, तो ये पेज कौन सा है, ये पेज बता दीजिए कोई जी, बुक में से पेज नंबर कौन सा है, तो 70 पेज नंबर 71 है शायद सर, वो इंग्लिश नहीं सर, 70 है सर, 70 इंग्लिश में, हां 70 है, कोलैप्स ऑफ की सर, इंग्लिश बुक में भी, इंग्लिश वाले में भी यही होना चाहिए, देखिए कोलैप्स ऑफ की नंबर पॉइंट 3 है, तीसरा पॉइंट है कोलैप्स ऑफ की, कोलैप्स ऑफ की बड़ी बड़ी हेडिंग है, देखिए आप लोग अपनी किताब में, आप तो फिफ्थ चैप्टर में देख लीजिए, फिफ्थ चैप्टर में लास्ट के तीन दो तीन पेज में है ये, हाँ लास्ट के दो तीन पेज पहले ही सर। अब नेक्स्ट आता है कोलैप्स ऑफ की, कोलैप्स ऑफ की का मतलब होता है एकाएक गिर जाना, मतलब वीकनेस इतनी आ गई कि वो की डाउन बिल्कुल बॉटम तक आ गई उसकी, करीब 50% तक आ जाती है की, जब उसको हम कोलैप्स ऑफ की कहने लगते हैं, कि जब किसी ऑर्गन में 50% या इससे भी कम की हो जाए तो उसे हम कोलैप्स ऑफ की कहते हैं। ये इमरजेंसी सिम्टम्स इस तरह के आते हैं कि अचानक ही हमको कोई प्रॉब्लम ऐसे होने लगती है कि उससे ये होता है कि कोलैप्स ऑफ की हो रही है, रोगी कभी बेहोश हो जाएगा, कभी उसका तेज ज्यादा पसीना आने लगेगा, जब ज्यादा पसीना आए तो हमको सबसे पहले उसके पसीने को रोकना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पर रक्त की कमी हो जाएगी हमको, और अगर हम पसीने को नहीं रोकेंगे तो और वीकनेस आने लग जाएगी उसके अंदर। तो इससे डिफेंसिव की जो डिफेंसिव की है जो हमारी शरीर की रक्षा करती है वो की बहुत डाउन हो जाएगी, इस वजह से हमें सबसे पहले पसीने को रोकना होगा, सबसे पहले हमें यही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कोलैप्स ऑफ की दो तरह से होती है, एक तो दो जगह होती है, दो ऑर्गन में होती है, एक तो हार्ट में होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो हार्ट यंग कोलैप्स होगा या लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स होगी। जब हार्ट यंग कोलैप्स होगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब हार्ट यंग कोलैप्स होगा तो उसमें हार्ट यांग डेफिशिएंसी बहुत हो जाएगी उसके अंदर, मतलब यांग डेफिशिएंसी जो होगी उससे भी नीचे जब उसकी की आ जाती है तब हार्ट यांग कोलैप्स होता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण होंठ नीले होने लग जाते हैं, बहुत जोर का पसीना भी आता है और रोगी कभी कभी कोमा में भी चला जाता है, मतलब बेहोश होने के बाद उससे भी और डाउन कंडीशन ये होती है कि वो कोमा में चला जाता है, और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है। बहुत बार अपन लोगों को जब हार्ट प्रॉब्लम होती है तो देखते भी है पेशेंट्स को, इस तरह की प्रॉब्लम उसमें होने लगती है, सांस कमजोर होने लग जाती है, जीभ भी छोटी हो जाती है। और जब हम इसकी एक ये भी पहचान विशेष है कि हम रोगी को उस समय बोले कि जीभ निकाल करके दिखाओ तो वो जीभ नहीं निकाल पाता, इसका एक ये बहुत बड़ा सिम्टम है इसमें। तो इसमें किडनी यांग की गंभीरता मतलब बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हार्ट यांग कोलैप्स हो जाता है। अब किडनी यांग कौन, हार्ट
हार्ट का कंट्रोलर किडनी है एक्चुअल में, जब उसके अंदर यांग की कमी होगी तो हार्ट यांग कोलैप्स होना होगा और हार्ट को इफेक्ट करेगी। अधिक संभोग करने या अत्यधिक काम करना या जीर्ण रोगों के साथ हार्ट कोलैप्स हो जाता है। इस तरह की जब हम एक्स्ट्रा एक्सेस में जब वर्क करते हैं तो हार्ट यांग कोलैप्स होने लग जाता है। उसके लिए हमें पॉइंट्स ये चाहिएंगे, SP6, CV4, CV6, CV8, GV4, ST36, UV15, UV23, GV14 एंड GV20। इनको सबको हम टोन करेंगे तो हार्ट यांग कोलैप्स जब इसकी की डाउन हो रही है वो उठने लगेगी और उसमें पेशेंट को लाभ मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स ऑफ की। तो लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स जब होने लगती है तो स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक में की सिंक होने लगती है। मतलब ये सिर्फ LI की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसके साथ साथ और ऑर्गन भी जो होते हैं वो भी इफेक्टेड हो रहे होते हैं ऑलरेडी, तो इसकी वजह से वहां पर हार्ट की कोलैप्स होने लगती है। इसे लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स ऑफ की कहते हैं। साथ में स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक भी इफेक्टेड ऑलरेडी हो रखे होते हैं। इसमें कोलैप्स ऑफ की में जैसे जब स्प्लीन भी वीक होती है तो उसके साथ ये होता है कि प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन भी होने लग जाते हैं, तो बवासीर हो जाती है, रोगी को पुराना डायरिया हो जाता है और शौच के बाद थकान और कमजोरी लगने लग जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, भूख बंद हो जाती है, रोगी को लगेगा कि पेट की मालिश करनी चाहिए मेरे को जब आराम और अच्छा लगेगा, और रोगी गर्म पानी या चाय पीना पसंद करेगा, गर्म पेय पदार्थ लेना ज्यादा अच्छा लगेगा उसे, क्योंकि जो LI की जो की है वो बहुत डाउन हो गई है तो उसको इस तरह की फीलिंग्स आने लगेंगी इसके अंदर। और शौच के बाद जब अपन शौच होकर के आते हैं तो उसमें ये होता है कि उसको आने के बाद बहुत वीकनेस लगेगी और रोगी लेट करके रेस्ट करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसको मन करेगा कि मैं लेट करके रेस्ट करूं, इस तरह की उसको फीलिंग आएगी। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा SP3, ST25, ST36, CV6, GV20 एंड UV20 एंड 21। इन सबको हम अगर टोन करेंगे तो कोलैप्स ऑफ की में इम्प्रूवमेंट शुरू होगा और ये थोड़े लंबे टाइम तक हमको देना पड़ेगा और रोगी को पूरी तरह से लाभ मिलने लगेगा। अब आप लोग सिम्टम देखे मैडम, सिम्टम देखे रहिए, हार्ट यांग कोलैप्स, यांग माने आप लोग हमेशा ये समझिए, देख सरल सरल भाषा में बता रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, इसको ऐसे देखना है, सरल भाषा ये कि यांग माने गर्मी, यांग माने ऊर्जा, यांग माने फंक्शनल की, तो जो फंक्शनल कोई चीज होगी, तो अगर जैसे हार्ट यांग कोलैप्स फंक्शन कोई चीज कम हो रही है तो फंक्शन हार्ट का क्या था, पंपिंग करना, तो यानी ब्लड सर्कुलेशन करना, ऑक्सीजन की कमी होना, अगर ब्लड सर्कुलेशन कम कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन कमी होने लगी, क्योंकि उतनी जो है ब्लड नहीं भेज पाएगा लंग्स को, तो लंग्स नहीं भेज पाएगा तो उतना कम मिलेगा, तो जितना चाहिए बॉडी को उतना नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नीलापन आता है, हार्ट पर ठंडे, हार्ट क्या करता है, ब्लड माने गर्मी और कोल्ड, जो हार्ट जो है ब्लड का है, याद करिए चाइनीज में हार्ट किसका है, फायर का। हेलो बोलिए कोई। यस सर, हार्ट फायर का सर, तो हार्ट में भी गर्मी, तो अगर ब्लड हार्ट ब्लड कर रहा है तो गर्मी नहीं आई तो ठंडक हो गए, तो ठंडे हो जाएंगे, धड़कन पल्पिटेशन उसका नेचर है, रोगी कोमा में चले जाएंगे, होंठ नीले क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ब्लड होता है अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पर्पल रेड, देखिए वही हो गया, एक तो ये कारण हुआ हार्ट यांग में, ठीक। अब दूसरा समझिए, लार्ज इंटेस्टाइन में स्प्लीन, स्टमक सब कह रहे हैं, स्प्लीन डिफिशियंसी का पहला नेचर क्या है, भूख बंद हो जाना, कम हो जाना, तो पहले भूख देखिए, भूख बंद हो गई क्यों, और इसमें क्या हुआ, डायरिया, क्योंकि स्प्लीन कंट्रोलर है, अगर स्प्लीन की एनर्जी ऊपर नहीं जा रही, स्प्लीन खुद ही कमजोर हो गई तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, फिर वो कंट्रोलर है सबका, अपने होल्डिंग का, होल्डिंग माने अपनी जगह रखने का, तो रख नहीं पा रही है, तो आप देखिए NS प्रोलैप्स, बवासीर हो गया, डायरिया हो गया, और इसलिए शौच के बाद थकान क्यों लगी, क्योंकि
क्योंकि जब भी कभी आप उसके बाद थकान लगेगी तो यानी कम एनर्जी है और एनर्जी चली गई, कोई भी स्टूल पास हुआ तो और एनर्जी कम हो गई, यानी आप लौटे तो आपको और अधिक हो गई, ये कारण है। ठीक है, चलिए जी मैम। जी मैडम, यस। अब आता है स्टैग्नेशन ऑफ की। स्टैग्नेशन माने क्या होता है? स्टैग्नेशन माने होता है कि रुकावट, कहीं पर भी रुकावट हो रही है तो की कोई रुकावट हो रही है तो उसके लिए स्टैग्नेशन ऑफ की का मार्ग, अगर किसी वादा से, किसी रीजन से अवरुद्ध हो गया है तो उसको स्टैग्नेशन ऑफ की कहते हैं। स्टैग्नेशन ऑफ की में अलग अलग मतलब इस तरह के सिम्टम्स हैं इसमें, इनसे थोड़े डिफरेंट है। पसलियों के नीचे तनाव होने लगेगा, पेट के ऊपर आफरा हो जाएगा और स्थान बदलने वाला, जगह जगह होने वाला, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिस तरह की होती है उस तरह का पेन होगा इसमें, और डिप्रेशन भी होगा और नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा होंगी इसके अंदर एक्चुअल में, और मूड भी बदलता रहेगा, कभी खुशी लगेगा कभी गम मतलब दुख लगेगा मन में, इस तरह के मूड स्विंग्स जैसी भी कंडीशन आने लग जाती है। अब ये स्टैग्नेशन कहाँ होती है और ऑर्गन को कौन सा हम है, तो ये है कि लीवर की स्टैग्नेशन सबसे ज्यादा होती है, और लीवर की, लीवर जो है वो जगह जगह, इसके इफेक्ट्स और भी जगह जगह दिखते हैं पर मेन पार्ट लीवर का ही होता है इसके अंदर। तो लीवर की स्टैग्नेशन 5 प्रकार की होती है। पहला, मुख्य रूप से लीवर की स्टैग्नेशन छाती के नीचे हाइपोकॉन्ड्रियम में तनाव एवं दर्द के रूप में दिखाई देने लगती है, और लीवर की में स्टैग्नेशन जब हो जाती है तो छाती में भरा भरापन लगने लगेगा, रोगी ऐसे दुखी सा होकर के टसकता सा इस तरह से बोलने लगेगा, इस तरह से हर समय उसको ऐसा लगेगा सामने वाले को कि वो दुखी सा है, इस तरह की फील सामने वाले को आएगी वो, और हिचकी आने लगेंगी, डायफ्राम में भी स्टैग्नेशन जैसा फील होगा, रुका रुका सा कुछ रुकावट सा फील होगा। तो ये लीवर की स्टैग्नेशन के मेन सिम्टम्स है। अब लीवर की स्टैग्नेशन मन पर भी प्रभाव डालते हैं, तो उसमें डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग होगा और मेलनकोलिया जो है उस तरह की एक तरह से फीलिंग्स होने लगेंगी इसके अंदर। जब लीवर की स्टैग्नेशन स्टमक पर प्रभाव करेगी तो उसके अलग इफेक्ट्स होंगे उसके, तो उसमें नौशिया होगा, वोमिटिंग होगा, भूख नहीं लगेगी और ब्लांचिंग होगी और एपिग्रेस्टिक पेन होगा। ये लीवर ही है जो स्टमक पर जब अटैक करेगा तो हमें इस तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे। लीवर जगह जगह अटैक करता है तो ये स्टमक पर जब अटैक करेगा तो इस तरह के होंगे। नेक्स्ट आएगा लीवर की स्टैग्नेशन इंटेस्टाइन पे जब इफेक्ट करती है तो इस तरह की बरबरी, गम्स, पेट में गुड़गड़ाहट सी जो होती है वो उस तरह की फीलिंग्स होने लगेंगी। स्प्लीन पर भी आक्रमण करती है, जब लूज मोशन होने लगेंगी। लीवर की स्टैग्नेशन जब गले पे अटैक करती है तो गले में गांठ हो जाएगी, आवाज होगी, गला रुका रुका सा लगने लगेगा, निगलने में प्रॉब्लम होगी, और क्या मानसिक स्थिति ठीक होने पर भी गले में अवरोध अपने आप ठीक हो जाता है। अगर जब लीवर की स्टैग्नेशन मन पर प्रभाव डाल रही है और अगर हम उसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं तब भी गले की रुकावट अपने आप ठीक होने लग जाती है। तो ये सब लीवर की स्टैग्नेशन है जो जगह जगह अटैक कर रही है और हमको इस तरह के रिजल्ट, अगर हम कहीं पर भी उसको ठीक करने की कोशिश मतलब ट्रीटमेंट करेंगे तो वो दूसरी प्रॉब्लम पर भी वो प्रभाव पड़ेगा और वो भी ठीक होने लगेगी इस तरह से। और मानसिक रोगी अपने को दुखी व मानसिक रूप से घायल कर लेता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अपने आप में दुखी होना, इस तरह के लीवर की स्टैग्नेशन की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं जब हम इस पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो भी ठीक होने लगे। लीवर की स्टैग्नेशन जब कॉन्सेप्शन वेसल्स पर और स्ट्रॉन्ग मोर पर आक्रमण करती है तो उसके अलग सिम्टम्स दिखाई देंगे। प्रीमेंशुअल सिंड्रोम्स होगा, PMS जिसको हम बोलते हैं, पेनफुल पीरियड होगा, पेन इन ब्रेस्ट एंड बिफोर एंड पीरियड, दोनों समय, पहले भी प्रीमेंशुअल पीरियड के पहले भी और बाद में भी दोनों समय ब्रेस्ट में पेन होने लगेगा और इरेगुलर पीरियड होगा। इस तरह के जब ये CV मेरिडियन पर जब ये अटैक करता है, लीवर की स्टैग्नेशन होने लगती है तो इस तरह के सिम्टम्स हमको आने लग जाते हैं। इन पांचों कंडीशंस में उपचार हमको सेम ही देना पड़ेगा, P6 लीवर 3 13 एंड 14
गॉल ब्लैडर 34 और TW6 को हम सीडेट करेंगे तो ये सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। ये भी है कि इसको, इस वाले ट्रीटमेंट को हम माइग्रेन में भी यूज करेंगे तो माइग्रेन भी ठीक होगा इससे। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन। जब लीवर की स्टैग्नेशन स्मॉल इंटेस्टाइन पर आक्रमण करती है तो तलपेट में दर्द होगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी और अधोवायु जो है अपनी दुर्गंधित होगी, बहुत ज्यादा स्मेली होगी वो, और अंडकोश में दर्द होगा, पेट में नीचे की तरफ नाभि से नीचे वहां पर पेन होने लगेगा। तो ये SI की स्टैग्नेशन हमको शो होगी, तो उसमें हमें ये ट्रीटमेंट देना है लीवर 3, लीवर 13, गॉलब्लैडर 34, ST27, ST29, ST39 एंड SP6। जहां जहां की स्टैग्नेशन होती जाएगी कुछ कुछ पॉइंट चेंज होते रहेंगे और कुछ सेम रहेंगे, तो हमें पर्टिकुलर प्लेस पर जब हमें वो ट्रीटमेंट देना होगा स्टैग्नेशन का तो वो ठीक होने लगेगा वहां का। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन। लीवर की स्टैग्नेशन जब स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रोक देती है जब उसे, तो अपेंडिक्स साइड का भी पेन होने लग जाता है। जब बहुत हमने देखा है बहुत सारी जगह पर कि अपेंडिक्स का पेन बहुत ही एक्यूट और बहुत तेजी से होता है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि क्यों मेरे यहाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पर वो कई बार अपेंडिक्स का पेन भी होता है। तो अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट हम इस तरह से इन प्रोटोकॉल को, इन पॉइंट्स को लगा करके हम देंगे, ST25, ST39, CV6, GV34, Liver 3 एंड SP6। जब हम इनको सीडेट करेंगे तो जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है कि वो नॉर्मल चलने लगेगी और उसके बाद वो ठीक होने लगेगा, उसका जो दर्द है वो ठीक होने लगेगा। अब आता है की एक दिशा होती है एक्चुअली, तो वो जिस दिशा में चल रही है प्रॉपर उस, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर वो की दिशा गलत हो जाए, मार्गोल्लंघन हो जाए, तो वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम शरीर में क्रिएट करेगी। जब सामान्य ऊर्जा का प्रभाव पथ छोड़कर गलत दिशा की ओर प्रभावित होने लगती है तो की का मार्गोल्लंघन कहलाता है। की के मार्गोल्लंघन का चार्ट है इसके अंदर, टेबल, सर टेबल लगा दीजिए सर नेक्स्ट। तो उसमें हमें की का डायरेक्शन बताया है कि हमारी की किस साइड चलती है, और जब वो किस साइड चलने, जब मार्गोल्लंघन होता है तो वो दूसरी साइड किस तरह से चलती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें इस टेबल में पूरा बताया गया। तो ऑर्गन जैसे आमाशय की जो स्टमक है उसकी की हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, पर अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है, मार्गोल्लंघन जब की का हो जाता है तो हमको डकार आने लगेगी, हिचकी, वमन, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो उसके लिए है प्रोटोकॉल अपना P6, SP4, CB4, सॉरी CB10, CB13 एंड ST36। इन सबको जब हम सीडेट करेंगे तो स्टमक की जो मार्गोल्लंघन है, जो कॉन्ट्रावेक्शन है, वो ठीक होगा और ये सारी प्रॉब्लम अपनी ठीक होने लग जाएगी। सेम स्प्लीन में भी है, स्प्लीन में ये है कि वो ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर की ओर चलती है, ऊपर से नीचे तो स्टमक की और नीचे से ऊपर स्प्लीन की चलती है। तो जब इसकी कॉन्ट्रावेशन होता है तो हमें पतले दस्त, पाइल्स की प्रॉब्लम और प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन एंड ये वेरिकोस वेन्स, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स जब हमें होती है तो समझना चाहिए हमारी स्प्लीन पर हमें वर्क करना है। कॉन्ट्रावेक्शन में जनरली सभी चीजों का हम लोग सीडेट करके ट्रीटमेंट करते हैं, पर यहाँ पर हमको ये सारे पॉइंट, हमको जब स्क्रीन की ऊर्जा का मार्गोल्लंघन होता है तो हमें उसको टोन करना होता है। तो GV20, GV1, CV6, CV12, SP3, SP6, SP9, UV20-21 एंड SC36-21, इन सब पॉइंट्स को जब हम टोन करेंगे तो जो उसका मार्गोल्लंघन है वो ठीक होगा स्क्रीन का, और हमारी ये जितने भी प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन है, लूज मोशंस हैं और बवासीर है, ये सारी प्रॉब्लम्स, वेरिकोस वेन्स वगैरह सभी हमारी ठीक होने लगे। नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स का नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन रहता है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर रहता है, जब वो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाने लग जाती है।
तो जब हमारी जब ऊपर से नीचे के ऊपर जाने लगेगी तो खांसी होगी, सांस का रोग होगा, कफ अस्थमा, सांस छोड़ने में परेशानी और खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको होने लग जाएंगी। तो उसके अंदर हमको ये वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, LU1, LU5, LU7, LU10, LU11 तो सीडेड होगा उसके अंदर, CV12 टोन होगा, CV17 and 22 सीडेड होगा, एंड UV13 and 40 ये दोनों पॉइंट भी सीडेड होंगे। तो इस तरह से जब हम इसमें, तो अस्थमा का ट्रीटमेंट भी इसी के अंदर है कि जब हम अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है, लंग्स की जो की है वो कॉन्ट्रैक्शन दूर होने लग जाता है। अब आता है किडनी की, किडनी की ऊपर से नीचे की ओर चलती है, और जब ये नीचे से ऊपर की ओर चलने लग जाती है तो सांस लेने में परेशानी और खांसी, पर खांसी का ना आना, उसमें खांसी नहीं आएगी पर सांस लेने में परेशानी होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हमको K3, K6, K7, LU7, ST36, UV23, GV4, GV12, CV6, CV17 और K25 जी, इन सबको जब हम टोन करेंगी तो ये प्रॉब्लम जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगी और की का डायरेक्शन भी ठीक हो जाएगा। सेम हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम ऊपर से नीचे की ओर होती है, जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाने लग जाती है तो हमको मानसिक बेचैनी, अनिद्रा और अवसाद जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाएगी। तो हमको ये प्रोटोकॉल देना होगा H7, H8, H9, CV17 सीडेड और SP6, K6 टोन देना होगा, तो हार्ट की जो होगी वो नॉर्मल, उसका कॉन्ट्रैक्शन दूर होने लग जाएगा। अब लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर का कॉन्ट्रैक्शन, लीवर में की जो की है वो चारों तरफ चलती है एक्चुअली, तो जो लीवर की जो चारों तरफ चलती है तो कभी वो ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी राइट साइड और कभी वर्टिकली लेफ्ट साइड, इन इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। तो जब, और नॉर्मल की जब जो चलती है लीवर की वो नीचे से ऊपर की ओर चलती है, तो जब वो ऊपर से ऊपर की ओर वेग से जाने लगती है, जब वो तेजी से जब वो जाने लगती है इसके अंदर लीवर की ऊपर की तरफ, तो हमको सरदर्द होगा और चक्कर आने लगेंगे, हेडेक, इरिटेशन, वर्टिगो जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह की होने लगेगी हमको। तो इसमें इन सब के प्रोटोकॉल थोड़े कुछ कुछ पॉइंट डिफरेंट है, कुछ कुछ सेम पॉइंट्स हैं इनके। तो LIVER3 TW5 सीडेड होगा, SP6 SP3 K3 टोन होगा, GV6 GV8 GV9 GV20 एंड 38 सीडेड होगा, एंड उसके पास में एक पॉइंट है 43 एंड ताइयांग एक पॉइंट उसमें 43 के पास में ही आता है, 47 के पास में आता है वो, तो उसको हमें लगाना होगा साथ में, तो वो सिरदर्द और चक्कर की जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी। अब इसका है आड़े चलना, आमाशय पर अटैक होना, जब लीवर की आड़े चलने लगती है, आड़े में भी लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली जब चलती है तो उसमें देखा डकार, मिचली, वमन, जो पहले हमने स्टमक की स्टैग्नेशन के उसके ये सेम पॉइंट्स हैं, सेम इस तरह के सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगेंगे, उसके पॉइंट्स हैं LIVER3, LIVER14, GV34 सीडेड, CV10, CV13, ST36 एंड UV21 टोन। हमें इस तरह से इनकी ट्रीटमेंट देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको दूर होने लगी। अब आड़े चलने पर भी स्प्लीन पर भी अटैक करती है, दोनों आड़े चलने पर होती है, स्प्लीन और स्टमक पे दोनों से पर अटैक करेगी, तो हमको देखना होगा उसमें लूज मोशन जब होंगे तो समझना चाहिए कि हमें स्प्लीन में जब प्रॉब्लम होती है तो हमें लूज मोशन होते हैं, स्टमक में प्रॉब्लम होती है तब लूज मोशन नहीं होते। तो हमें लूज मोशन अगर हो रहे हैं तब हमें समझना चाहिए कि स्प्लीन पर अटैक हो रहा है लीवर का। तो लीवर उसके पॉइंट्स हैं LIVER3, 13 एंड 14, GV34, इनको हम सीडेड करेंगे, और ST36, SP6 एंड CV6 एंड CV12 को हम टोन करेंगे, तो स्प्लीन की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक होगा। अब आता है आड़े चलकर छोटी व बड़ी आंत पर आक्रमण कर। मैडम एक मिनट, ये YBM और WBM क्या है?
ये YBM है, येलो ब्योल मैग्नेट, जो जब ऊपर की तरफ येलो दिखने लगती है तो उसको YBM बोलते हैं, और जब ऊपर की तरफ व्हाइट दिखती है तो उसको WBM बोलते हैं। टोन सीडेट का ही है, जब कहीं आपको YBM दिखे तो समझना चाहिए हमें सीडेट करना है, क्योंकि येलो ऊपर की ओर दिखेगा। दिखने वाली कंडीशन को इसमें बताया है एक्चुअल में, जो YBM एंड WBM है, तो ये टोन और सीडेट का ही इंडिकेशन है। अब हॉरिजेंट आड़े चलकर छोटी बड़ी आंत पर आक्रमण करना, अगर जब छोटी बड़ी आंत पर दोनों पर जब आक्रमण करता है तो ड्राई स्टूल होगा उसके अंदर, तो हमें ये पॉइंट्स देने होंगे। ST36, SP6, K6 एंड CV4 को टोन करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, जब स्प्लीन पर होगा तो लूज मोशन होगा, और जब स्टमक इंटेस्टाइन पे होगा तो ड्राई स्टूल होगा। ये अलग अलग सिम्टम्स हैं, बस हमें इनको याद रखते हुए हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन से ऑर्गन की प्रॉब्लम। अब ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड, जब नीचे की तरफ की जाती है इसकी, और इस तरह की प्रॉब्लम में ये है कि जैसे UTI की जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि लीवर की जो स्टैग्नेशन जो की है वो उस पर अटैक कर रही है। तो liver 2, liver 4, CV 2, 3, 4, SP6 एंड SP9, K3, K6, UV 22 एंड 28, इन सबको हमें कुछ पॉइंट को सीडेड एंड कुछ पॉइंट को टोन जब करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन, नीचे से ऊपर की ओर जाती है ये, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाने से कमजोरी होती है, जब ज्यादा वीक हो जाती है, तो ये की जब ऊपर की ओर नहीं जा पाती है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स अलग तरह की होने लग जाती है। लगातार पतले दस्त होना और एनस प्रोलैप्स हो जाना, शौच के बाद थकावट होना, ये उस तरह की प्रॉब्लम है जो कोलैप्स ऑफ की के कुछ कुछ सिम्टम्स इससे मिलते हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें इस तरह से ये लीवर का अटैक भी हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन पे, तो उसमें ये पॉइंट हमें देने होंगे। SP3, ST25, ST36, UV20, 21, CV6 एंड CV1 एंड GV20, इन सबको जब हम टोन करेंगे तो जो मार्गोल्लंघन है वो सही होने लग जाए। ऊर्जा के पतन के कारण LI में भी ऊर्जा का पतन हो जाता है, तो हमें उसको उठाना पड़ेगा, जो पतन हो रहा है उसकी की को उसको कंटिन्यू मतलब इंप्रूव करना होगा, इसलिए ये पॉइंट टोन होंगे और टोन के साथ ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व होने लगी। अब इसमें कुछ लास्ट में ये टेबल दे रखी है, ये आप लोग देखिए इसमें कि की की रुकावट एवं ब्लड की रुकावट की तुलना की गई है, कि जब की रुकावट होती है और ब्लड की रुकावट होती है, स्टेसिस ऑफ ब्लड होता है, तो क्या अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जब चेहरा हम देखेंगे, जब की रुकावट होगी तो ऐसे कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, चेंज नहीं दिखेगा, बट ब्लड की रुकावट होगी तो चेहरा काला या नीला पड़ने लगेगा अपने को, डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब डार्क बिल्कुल डल चेहरा और इस तरह का हमको लगेगा, और कलर हमको ब्लैक या नीला इस तरह का कुछ दिखने लगेगा। टंग में भी हम टंग देखेंगे तो सामान्य होगी या थोड़ी बैगनी होगी, जब की रुकावट होगी तो हल्का सा पर्पलिश इफेक्ट होगा इसमें, और वैसे ज्यादातर शुरुआती में तो नॉर्मल ही दिखेगी आपको की, पर अगर जब इसमें ब्लड की स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है तो जीभ में पर्पल आपको धब्बे धब्बे से दिखने लगेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ब्लड स्टेसिस हो रहा है इसके अंदर। स्किन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब की रुकावट होगी तो, पर अगर स्किन पर अगर ब्लड की रुकावट है तो हमें ब्लैक या नीले नीले धब्बे से आपको दिखाई देने लगेंगे। कभी कभी देखा होगा किसी किसी की स्किन पे हम जब जोर से भी पकड़ लेते हैं तो भी नीला नीला सा होने लग जाता है, तो वो स्टैग्नेशन ऑफ की तरह ही वो दिखने, वैसे नॉर्मली आ ही जाते हैं उसके ऊपर, स्किन के ऊपर धब्बे धब्बे से दिखने लग जाते हैं, तो हमें समझ देना चाहिए कि ये स्किन पर भी ब्लड की रुकावट कहीं पर हो रही है। अब दर्द को देखेंगे तो कम दर्द होगा, जब की रुकावट होगी तो कम दर्द होगा, पर जब ब्लड की रुकावट होगी स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा तो ज्यादा दर्द होगा,
दर्द कहीं पर भी हो सकता है वो, तो ब्लड की रुकावट में हमें दर्द का ज्यादा महसूस होगा। अफारा, इसमें मोर जब ज्यादा जब पेट में जैसे हमें की रुकावट होगी तो ज्यादा अफारा लगेगा हमको पेट में, पर ब्लड की रुकावट होगी, स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा तो उसमें अफारा हमको नहीं दिखेगा या बहुत कम दिखेगा। दर्द का स्थान, अब की रुकावट होगी तो हमें बदलने वाला स्थान, बदलने वाला दर्द होगा, और स्टेसिस ऑफ ब्लड में हमें एक ही जगह पर मोर पेन, ज्यादा पेन दिखेगा और फिक्स पेन होगा उसमें। ये कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए जिससे हम की रुकावट और ब्लड की रुकावट को हम डिफरेंस कर पाए और उसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम उनको ट्रीटमेंट दे पाए। अब दर्द का प्रकार, दर्द किस किस तरह का होगा। जब की स्टेग्नेशन होगी तो अफारा, मतलब अफारे के साथ साथ दर्द भी होगा और पेट भरा भरा सा अजीब सा लगने लगेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस लगने लगेगी। पर अगर ब्लड स्टेसिस है तो पेन इतना तेज होगा, वो बहुत ज्यादा तेज होगा हमें, और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हमारे चाकू भोंक दिया हो, तो असहनीय पेन होने लगेगा। पेट में गांठें बनना, पेट में गांठें होंगी जब की रुकावट होगी तो हमें प्रकट होंगी गांठें और गायब होती रहती है, मतलब कभी हमें दिखेंगी वो गांठें और कभी नहीं दिखेंगी हमें वो गांठें। बट अगर हमें ब्लड की रुकावट है तो फिक्स एक स्थान पर ही गांठ बनी हुई हमें वो दिखने लगेगी, वो गायब नहीं होती दिखेगी, वो इस तरह की फिक्स गांठ हमको दिखेगी इसके। एंड एब्डोमिनल मासेस है ना, तो इस ये तो हो गया, ये नब्ज का है, थोड़ी तार नब्ज अगर देखना जब शुरू कर देते हैं तो उसमें भी ये है कि थोड़ी बंधी हुई लगने लगेगी, और स्टैग्नेशन में, की स्टैग्नेशन में एंड ब्लड की स्टैग्नेशन जब होगी तो हमें वो मजबूत और पल्स दिखाई देने लगेगी। इस तरह के ये जो सिम्टम्स हैं, हमें अगर इस तरह के देखेंगे हमें तो ब्लड स्टैग्नेशन एंड की स्टैग्नेशन का जो डिफरेंस है वो हमें पता लगने लगेगा, और हमें डिफरेंस करके इस तरह से हम उन पर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको, और ये की का जो चैप्टर है वो अपना आज कंप्लीट होता है। इसमें डायग्नोसिस ऑफ की भी जो टेबल दी हुई है उसको भी आप लोग सब गौर से पढ़ें एक बार, उसका काफी अच्छा उसमें डिटेल दे रखा है, और ये पांचों तरह की जो की है इनके बारे में हो चुका है अब अपना, और किसी को कुछ पूछना हो तो देखिए पूछ सकते हैं आप। सर चैप्टर तो कंप्लीट हो गया सर। सर ये एब्डोमिनल मासेस क्या होते हैं? मैम एब्डोमिनल मासेस क्या होते हैं? पेट में गांठें हैं, गांठें, गांठें ही, गांठों के बारे में बताया ना, एब्डोमिनल मासेस, ये गांठें जो होती है वो एब्डोमिनल मासेस जो पेट में जो होती है, जो तो हम लोग इस ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया है, अभी हम लोग डिस्कस आउट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं या अभी इसमें क्लासेस में नहीं उपस्थित हुए हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है और ये निवेदन भी है कि इस विधा को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो करें। एक्यूप्रेशर के संबंध में ये एक वीडियो है, वो वीडियो आप देख भी रहे होंगे, तो इसको आगे अगर फैलाएंगे तो हम लोग उस सिद्धांत को या उस मोटो को पूरा कर पाएंगे कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो आप लोग जुड़िए, इसको आगे फैलाइए, विधा को फैलाइए, ताकि विधा का जो है सबके बारे में जानकारी हो, सबको जानकारी हो जाए, और यही नहीं सबको जानकारी होने के साथ सबका इलाज संभव हो सके, जिसमें एक ही स्थान पर आप खुद मेथी के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकें, आप केवल जो है मैग्नेट लगाकर ट्रीटमेंट कर सकें, आप सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है ये वीडियो अभी हम शेयरिंग बंद कर देते हैं और फिर हम लोग आपसे बात करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग शुरू बंद कर देता हूँ अभी, सो दैट कि आगे हम लोग अपनी बात रखें और